नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वैरायटी की जो जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई है। जी हाँ, गुजरात उड़द 2, जो कि आपका स्क्रीन पे आप नाम देख रहे हैं, इसी वैरायटी के हम चर्चा कर रहे हैं। उड़द की ये एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है और देख लेते हैं कब निकली, कैसे निकली और क्या इसका प्रोडक्शन रहेगा। आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी खासियत देख लेते हैं। संशोधित वर्ष आपको 2018-19 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2018-19 में संशोधित हुई, 2020 में ये किसानों के लिए रिलीज कर दी गई। पौधे की ऊंचाई देखें तो 60 सेंटीमीटर, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। 2 फीट का इसका पौधा रहता है। नॉर्मली देखें तो 1 से 1.5 फीट हाइट रहती है नॉर्मल वेराइटी की, और ये 2 फीट इसकी एवरेज हाइट है, यानी अपन को ये 2.5-3 फीट भी जाता हुआ दिखाई देगा। ये का अच्छी खासियत है, मूंग के हिसाब से ये हाइट काफ़ी होती है। पौधे का प्रकार देख लेते हैं, सेमी वेल्ड। सेमी वेल्ड से हम क्या समझें? सेमी वेल्ड से हमको ये समझना है कि ये ज़्यादा पूरा पूरा सीधा भी नहीं आता और पूरी तरह फैलती भी नहीं है। ये उन दोनों के बीच का एक आप समझ सकते हैं ये पौधा, कि ज़्यादा फैलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा शाखाएं नहीं आए, शाखाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक है, डबल धमाका टाइप अपन को देखने को मिल जाएगा। शाखाओं की संख्या 4.3। अब ये 4.3 कैसी है, तो इसका समझ लेते हैं कि ये एक मीन है, ठीक है ना। हमने क्या किया है कि कई पौधे को लिया और गिना, तो लगभग चार पांच शाखाएं हमको देखने को मिली। तो 4-5 अपन को शाखाएं इनके पौधों में देखने को मिलती हैं। 100 दानों का वजन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 4.76 ग्राम, 4.76 ग्राम काफ़ी अच्छा वजन होता है उड़द के हिसाब से। नॉर्मली 4 ग्राम बीज होता है, 100 दानों का वजन इतना होता है, लेकिन 4.76 ग्राम, ये 7-6, ये क्विंटल में जाएगा ना, तो आप समझिए लगभग अपन को मतलब 1 क्विंटल तक का अंतर देखने को मिल जाएगा दूसरे वैरायटी के हिसाब से, सेम दानों के वजन में अगर अपन जाएंगे तो। ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है आगे आगे चल के भारी वजन में, ठीक है। फलियों की संख्या की बात कर लेते हैं। फलियों की संख्या 40 देखने को मिलेगी, तो ये काफी हैवी अमाउंट है। और उसमें भी अगर देखें तो हर एक फली में अपन को 6, 7, 8 बीज अपन को देखने को मिलेंगे। 6.8 इसका एवरेज है, तो मतलब 8-9 बीज भी देखने को मिल सकते हैं, और कम से कम 5 तो रहने ही वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पकने के दिन 82 एवरेज डे है। गर्मियों में है ना, जल्दी पककर तैयार हो जाएगी, 75 दिन के आसपास पक जाएगी, और मैक्सिमम अगर टाइम लेगी तो 85 दिन। ये है ना, पत्ती का रंग डार्क हरा देखने को मिलता है, गहरा हरा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप उड़द में जाएंगे ना, ज्यादा हरा आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये रखा गया है। पत्तियों का रंग काफी जरूरी चीज है। दाने का आकार जो आप पीछे देख रहे हैं ना, बड़ा दाना आपको देखने को मिलेगा, ये इसकी एक खासियत है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना, कि पुरानी वैरायटी जो चल रही है, तो हम गुजरात उड़द 2 ही क्यों लगाएं, पुरानी इतनी वैरायटी भी तो है। तो पुरानी वैरायटी में बात कर लेते हैं, जो रेगुलर वैरायटी है ना, T9 है, ठीक है ना। गुजरात उड़द 1, जहाँ से गुजरात उड़द 2 निकली ना, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ की वेराइटी है गुजरात उड़द 1, ठीक है ना। वो निकली थी 2004 में, ठीक है। 80-85 दिन लेती थी, औसत उपज उसकी 6-8 क्विंटल थी, कम थी काफ़ी, ठीक है। और बाकी ठीक, सबसे जो दिक्कत वाली चीज़ है ना, जिसके कारण गुजरात उड़द 1 लीक से बाहर हुई, वो है MYMB, जो कि मूंग वीड येलो मोज़ेक वायरस, इसकी समस्या इसमें देखने को मिलती थी। ये तो इसके लिए संवेदनशील है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गुजरात उड़द 2 में वायरस आएगा ही नहीं, आएगा, कम आएगा, बहुत कम आएगा, ये भी कह सकते हैं। हो सकता है शुरुआती अवस्था में पहली पहली बार करें तो आए ही ना, क्योंकि रेसिस्टेंस अच्छा है, ये एक फायदा देखने को। T9 से कैसे कंपेरिजन, तो आप T9 का ये देखिए, 1972 में रिलीज हुई, जबकि ये 2020 में रिलीज हुई। और 1972 में भी जब ये रिलीज हुई थी ना, तो ये सिलेक्शन के थ्रू ये रिलीज हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा T9 वैरायटी कोई खराब वैरायटी, बहुत पोटेंशियल है इस वैरायटी में, कई चीज़ों में अच्छा काम करती है, अवधि 70-75 दिन में पक के तैयार हो जाती है, बस यही है। तो गुजरात उड़द 2 के मुकाबले 1-2 क्विंटल कम प्रोडक्शन है, ठीक है ना। और आप ये क्या कहते हैं, वायरस वगैरह में भी देखेंगे तो वायरस वगैरह में भी थोड़ी अति संवेदनशील है, इसमें भी वायरस का प्रकोप देखने को मिलता है। और वजन का भी बात कर लेते हैं, वजन 100 दानों का वजन गुजरात उड़द 2 से ज़्यादा अभी इनमें किसी के पास नहीं है। इसका भी देखिए, T9 का 4 ग्राम है और ये 4.76 ग्राम, मतलब सेम दाने लेंगे ना,
सेम दाने अपन एक बोरी में भरेंगे, तो उस बोरी का वजन अगर सपोज करो यहाँ पे 40 किलो होता है, तो इसका वजन हो जाएगा ये 40 किलो 760 ग्राम, ठीक है, ऐसा भी नहीं, सॉरी 40 किलो, तो इसका वजन 47 किलो हो जाएगा, और ज्यादा 7 किलो का अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतना अंतर देखने को मिलेगा। साथ में वैरायटी की हाइट अच्छी है, इसकी हाइट भी थोड़ी नीची है, ये एक दिक्कत होती है। और आगे बात कर लेते हैं और डिटेल में कि कुछ फार्मर वगैरह के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए, फलियों में पहचानने का तरीका है, ठीक है, बालों वाली होती है, फलियों में बाल आपको देखने को मिलेंगे, और बाल देखने को मिलेंगे इसलिए क्या है, एफिड वगैरह का अटैक देखने को नहीं मिलेगा, एफिड का अटैक बहुत कम आएगा, ठीक है। रोगों के प्रति जो क्षमता होती है, रोग प्रतिकारक क्षमता, वो अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगी। गर्मियों में भी अपन देखे ना, तो क्विंटल 5 क्विंटल तक बीघा में उत्पादन करने की क्षमता है, पोटेंशियल है इसका, और कई बार जाता हुआ भी दिखाई देता है। और अभी आप कहेंगे कि उधर तो आप हेक्टेयर में ही सिर्फ 12 क्विंटल कह रहे थे, यहाँ बीघा ही में 5 क्विंटल कह रहा है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट डाटा था। ये अपन किसानों के पास जाते हैं ना, तो वैसे ही वेराइटी 1-2 क्विंटल आराम से ज़्यादा बढ़ के परफॉर्म करती है, ये हमने जाता हुआ दिखाई दिया है। और विशेष रूप से आप देखिए, तटीय इलाके आप देखने को मिलेंगे ना, जहाँ पे ठीक है समुद्र से आप समझो कि आप सिर्फ समुद्र आपसे 200-250 किलोमीटर रहता है, तो उस एरिया तक को भी तटीय इलाकों में शामिल किया जाता है। तो वो एरिया जो भी रहेंगे ना, तो उनमें है ना ये किस्म में और ज़्यादा उपज देखने को मिली है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस ये आप देखिए। दूसरा अपन देखें कि उड़द की अन्य किस्मों की तुलना में इसका दाना बहुत अधिक, ठीक है ना, बाजार भाव इसका ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों, आपको मैं बता ही चुका हूँ, दाने का जो वजन है, ठीक है ना, वो ज़्यादा है। दूसरा, वजन के साथ साथ दाने का जो साइज है वो भी बड़ा है, इस कारण इसका थोड़ा दाम ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये चीज़ें कहने की है, बाजार में जाते हैं सेम रेट में चीज़ बिकती है, तो वो लोग है ना हमारा KDS 726 का रिजल्ट देखें और रेट पूछें मार्केट में। जब रेट 1100-1100 जाती है, तब KDS 726 की 1400-1400 हमने जाती हुई देखी है। तो जो बोलते हैं वो चीज़ें होती हैं, इसलिए बोला जाता है। फूलों का समय देख लेते हैं, अन्य किस्मों की तुलना में ठीक है 10 दिन बाद आता है, तो पैनिक नहीं हो, ठीक है, डरना नहीं है। जब वैरायटी लगा दो कि नहीं यार पड़ोस वाले के तो फूल आ गए, हमारे नहीं आए, आएंगे 10 दिन लेट आएंगे, और आएंगे तो बहुत ही जबरदस्त आएंगे, गुजरात उड़द 2 में। आगे बात कर लेते हैं कि तरीका क्या है, बुआई वगैरह कैसे करें, क्या करें, समय, तो टाइम देख लेते हैं। 8 बजे ये नहीं देखना है, अपन को नीचे देखना है। बुआई का समय जुलाई जुलाई की शुरुआत में बुआई कर दें, यदि आप कब बुआई कर रहे हैं खरीफ के लिए, गर्मियों में बुआई कर रहे हैं तो फरवरी मार्च में आपके लिए बुआई करने के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, गर्मियों में भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसलिए दूरी कितनी रखनी है, 45-10 का जो एक रेशियो है उसमें रख सकते हैं। इंचेस में बता दूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर खरीफ के लिए करना चाहते हैं 18 इंचेस के आसपास रख सकते हैं। MP मतलब गुजरात के बाहर अगर जाओगे वहाँ पे बुआई करनी है तो आप 9 इंच पे कीजिए, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी, 9, 10, 12, 14, 18, ये एक डाटा है, इसमें कहीं भी करिए अपनी सॉइल के हिसाब से एक्यूरेट है। तो 9 से लेकर 18 इंच पे ज़्यादातर लोगों को करते हुए देखा है, एक्यूरेट डाटा बताएं तो 18 इंच मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बीज दर की बात कर लेते हैं, 18 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की बोली जाती है, ठीक है ना। आप अपनी मिट्टी बताइएगा, सॉइल टाइप बताइएगा, आपको फ़ोन पे और अच्छे से गाइड किया जाएगा कि कौन सी मिट्टी में किस तरीके से बुआई करनी है, किस तरीके का बीज दर रखना है, वो आपको कॉल पे बता दिया जाएगा, ठीक है। बुनियादी उर्वरक आपको बता दें कि NPKS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये कितने रखने हैं, 25-50-0-20, ये एक रेशियो है, ठीक है ना। इनमें क्या डालना है, DAP डालना है, जिंक कैसे डालना है, सल्फर कैसे डालना है, वो डिटेल की चर्चा आप ठीक है फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में है, जब आपको करना ही करना है। फिलहाल जानकारी ले लेते हैं कि कैसे क्या और अपन इसमें कर सकते हैं, क्यों ये बीज इतना स्पेशल है। तो बीज आपको सामने दिख रहा है और इसका पहचानने का यही तरीका है कि थोड़ा भूरे से रंग का देखने को मिलेगा, प्योर डार्क ब्लैक नहीं देखने को मिलेगा, ये उन लोगों के लिए है जो एक एक बारीकियां देखते हैं, ठीक
ठीक है ना, थोड़े लंबे स्पाइस अपन को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बालियों में जैसा पहले ही बता दिया, बालियों में ठीक है बाल वगैरह कैसे आएंगे उससे भी आप पहचान सकते हैं। बीज पहचानने का ये तरीका है आपकी स्क्रीन पर लिखा। कार्बोहाइड्रेट उन लोगों के लिए जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्हें यूज़ करते हैं उड़द वगैरह को, उनके लिए तो 63% इसमें कार्बोहाइड्रेट है। आगे चलते हैं कुछ और बात, और ये अपने लिए जनरल नॉलेज के लिए समझ लीजिए। प्रोटीन इसमें 22.5% होता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, खाने में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी गरिष्ठ भोजन में आता है उड़द, लेकिन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरी बात कर लेते हैं गुजरात उड़द टू में, सबसे पहले जो हमने कहा था येलो वैन मोजेक वायरस, ठीक है ना, इस पर बात कर ली है। इसकी समस्या अपन को देखने को नहीं मिलती, व्हाइट स्पॉट देखने को नहीं मिलते, लीफ ब्लाइट, इन सब में प्रतिरोध देखने को मिलता है। नॉर्मली ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, अभी तो नहीं मिली क्योंकि रिसेंट वेराइटी है, हो सकता है आगे चल के देखने को मिले। परिपक्वता के दिन मैं 82 मैंने बोल ही दिया है। कुछ और देख लेते हैं, ये किसानों के अनुभव हैं, जो किसानों ने ठीक है यूनिवर्सिटी से बीज लिया, ठीक है ना, हमारे थ्रू लिया, उनके के क्या क्या चीज़ें हैं ये उन्हीं की भाषा में लिखा गया है। तो जो फलियां बालों वाली होती हैं उन्होंने ये बताया, ये उनको काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए क्या है, जो चूसिया घुन रहते हैं, जो एफिड वगैरह रहते हैं, वो जितने भी जंतु हैं जो ठीक है जो आते हैं उनका है ना प्रकोप कम देखने को मिला है, ठीक है। तो उन उसकी वजह से उन्होंने क्या है कई स्प्रे बचा लिए अपने, ठीक है ना, वो चीज़ें उनको ज़्यादा देखने को नहीं मिली। गर्मियों में अधिकतम उत्पादन ठीक है क्षमता 20 मन प्रति बीघा है, ठीक है, यहाँ पे मन 20 किलो का होता है, तो आप समझो कि ठीक है लगभग 4 क्विंटल प्रति बीघा भी गर्मियों में उन्होंने निकाला है ये। और यहाँ का बीघा भी छोटा होता है गुजरात के किसानों की, ये सीधी सीधी आपको जैसा उन्होंने बोला वैसा की वैसी लाइन रख दी है, तो मन भी नहीं बदला है। तो 4 क्विंटल प्रति बीघा यानी उनके 16 गुंठे का बीघा उन्होंने इतना निकाला है। तो एमपी में जैसे 20 गुंठे का बीघा होता है, तो वहाँ आप समझिए वहाँ 5-6 क्विंटल हो सकती है, ये गर्मियों की बात कर रहा हूँ, तो आप समझिए इसमें काफ़ी पोटेंशियल है इस वेराइटी में। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं एक और किसान का, यह विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में एक अच्छी उपज देने वाली किस्म साबित हुई है, ठीक है। ये उन लोगों का है कि जो तटीय इलाकों में कहते थे कि उड़द सक्सेसफुल नहीं होगी, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करके बताया गुजरात उड़द टू ने। और उड़द की अन्य किस्मों की तुलना में इसका दाना अधिक बड़ा होने के कारण इसका बाजार भाव अच्छा मिलता है, ये अपन को देखने को मिला है। एक दो किसानों का ये अनुभव भी रहा है कि बाजार भाव इसका ज़्यादा देखने को मिला है। और फूलों का समय आप समझिए ठीक है नॉर्मल की तुलना में 10 दिन लेट होता है, तो इस ये एक जरूरी पॉइंट था जो किसानों ने बोला था। कई किसान पैनिक हो गए थे कि नहीं कि इसमें तो फूल ही नहीं आ रहे, फूल ही नहीं आ रहे, लेकिन 10 दिन बाद इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिली थी, तो उस टाइम पैनिक मत होइए। 10 दिन बाद फूल आएंगे, पर जब आएंगे बहुत ही बेहतरीन आएंगे, इसकी हमारी क्या ठीक है ना। तो और अब ये एक चर्चा है कि बीज कहाँ से लें, कैसे लें, क्या मिलेगा, राय कहाँ से लें, नीचे स्क्रीन पे आपका नंबर दिख रहा है, ठीक है। और गुजरात में है तो आपको एड्रेस गुजराती में देखने को मिल रहा है, बाकी मोबाइल नंबर है, आप पूछ के आ सकते हैं कभी भी, रेट आपकी स्क्रीन पे है, देखिए और मजे कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है, राम राम।